प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। वहां मोदी आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने रविवार को ट्वीट करके सूचना दी। उन्होंने विशेषकर आईआईटी के छात्रों और पूर्व आईआईटी छात्रों से उनके भाषण को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों का जमकर जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में किसी भी तरह की कोई नाकाबंदी नहीं है। दिल्ली में आयोजित पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच के सालाना कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि टेलीफोन सेवा न मिलना कोई मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में मौजूद 196 पुलिस थानों में से हर जगह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। धारा 144 के तहत सिर्फ 8 पुलिस थानों पर ही प्रतिबंध लागू है। कश्मीर में आतंकवाद से अब तक तकरीबन 41,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने मानवाधिकारों पर सवाल उठाने वालों से पूछा कि क्या इन मारे गए लोगों के परिवारों की चिंता उन्हें है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसेना अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों से निपटने के लिए नौसेना अलर्ट पर है। देश में दोबारा 26/11 जैसा हमला नहीं होने देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश में है। गृह मंत्री अमित शाह आज सीआरपीएफ के एंटी रॉयड रैपिड एक्शन फोर्स की 27वीं सालगिरह में शामिल होंगे। अहमदाबाद में होने वाले इस कार्यक्रम में अमित शाह कई जवानों को पुरस्कृत भी करेंगे। सऊदी अरब से उधार में मिले खराब प्लेन ठीक होने के बाद इस्लामाबाद वापस लौटे इमरान खान ने फिर से कश्मीर में खून खराबा करने वाली बातों को दोहराया। यूएन में कश्मीर को लेकर दिए बयान के बाद इमरान ने वही भड़काऊ बातें फिर से बोली है। इमरान ने तबाही, खून खराबा, बंदूक उठाना और अंत तक लड़ने जैसे शब्दों का फिर से इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली बार होने वाले चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ने बताया कि 24 अक्टूबर को राज्य के 310 ब्लॉक्स के लिए मतदान होंगे। वहीं चुनाव के नतीजे भी 24 अक्टूबर को ही घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद दोबारा से श्रीनगर पहुंचने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। रोके जाने पर गुलाम नबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी जल्द ही सुनवाई होगी। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही माता वैष्णो देवी के भक्तों को सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु 5 अक्टूबर से वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर सकेंगे। रेलवे ने इसकी घोषणा कर दी है। नई दिल्ली से कटरा के बीच चलने वाली इस ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने संकल्प लिया है कि जब तक श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण नहीं होता, वो रामलला के दरबार में शारदीय नवरात्रि का कलश स्थापित नहीं करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद नवंबर तक फैसला आ जाएगा और जल्द ही राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में रावण दहन पर आतिशबाजी होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सामान्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी और दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत है। लेकिन ऐसे में कारीगर परेशान हैं कि उन्होंने पुतलों का ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन दिल्ली में ग्रीन पटाखे ही नहीं है। यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम ने दूसरी बार प्लास्टिक से बनी सड़क बनाई। कविनगर में वेस्ट प्लास्टिक और पॉलीथीन से बनी 280 मीटर की सड़क का उद्घाटन महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त दिनेश सिंह ने किया। सड़क बनाने में 350 किलोग्राम प्लास्टिक और 5% तारकोल का प्रयोग किया गया। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में दोनों राज्यों के बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। 21 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। आज इन उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनावों में पहली बार कोई ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने जा रहा है। युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसका आज औपचारिक ऐलान होगा। इस मौके पर शिवसेना वर्ली में विजय संकल्प कार्यक्रम का भी आयोजन करने वाली है। बीजेपी से सीट बंटवारा फाइनल होने से पहले ही शिवसेना ने कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कई कद्दावर नेताओं को टिकट दे दिया है।
मौजूदा गृह राज्य मंत्री दीपक केसकर, औरंगाबाद से संजय शिरसाट और कोल्हापुर से राजेश क्षीरसागर समेत कई बड़े नेताओं का नाम इस लिस्ट में शामिल है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी और शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। मलाड से असलम शेख, बुढ़ाना से राहुल बोंद्रे और धुड़े से डीएस अहिरे इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना से संबंध रखने के आरोप में इनके टिकट काटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि लिस्ट में कई मौजूदा एमएलए के नाम शामिल नहीं है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भीकर सीट से तो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शोलापुर सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतर रही है। कुल 288 सीटों में से दोनों पार्टी 125-125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी की 38 सीटें अन्य सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ दी गई हैं। शरद पवार पर ईडी के शिकंजे की वजह से इन चुनावों में एनसीपी की महाराष्ट्र में नाव डूब सकती है। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार समेत कई और बड़े नेताओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिसका फायदा बीजेपी और शिवसेना को मिल सकता है। एमएनएस नेता राज ठाकरे विधानसभा चुनाव को लेकर आज पार्टी की रणनीति तय करेंगे। एमआईजी क्लब में आज राज ठाकरे की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगी। ईडी के शिकंजे में फंसे राज ठाकरे इस दौरान पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे का बीजेपी में शामिल होने का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। राणे की बीजेपी में एंट्री पर पार्टी अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। हालांकि आज कई दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनमें राणे का नाम नहीं है। टिकट मिलने के बाद आज कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता अपना नामांकन भरेंगे। सुबह 11 बजे पूर्व सीएम अशोक चव्हाण और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी के सामने तैयार हुई हरियाणा बीजेपी की लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में सूबे के सभी 90 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट्स का नाम शामिल है। हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। गुजरात में भी 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। राधनपुर सीट से बीजेपी की ओर से अल्पेश ठाकुर चुनाव में खड़े होंगे। यूपी के रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारत भूषण गुप्ता को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट आजम खान के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। रामपुर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने तंजीन फातिमा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तंजीन फातिमा रामपुर से सांसद आजम खान की पत्नी है। 21 अक्टूबर को यूपी में रामपुर समेत 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बिहार सरकार बाढ़ के हालातों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। सीएम नीतीश कुमार लोगों से लगातार सतर्क और सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। नीतीश ने कहा है कि सरकार बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को सहायता देगी, लेकिन लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा। पटना के डीएम कुमार रवि ने बारिश के मद्देनजर सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं पटना जंक्शन पर पानी भरने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए पटना जंक्शन पर रुकने वाली ट्रेनों को दानापुर जंक्शन पर ठहराया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण पटना बेहाल है। पानी भर जाने की वजह से कई इलाकों में एहतियातन पावर सप्लाई बंद कर दी गई है, जिससे परेशानियों में कई गुना इजाफा हो गया है। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में पिछले कई घंटों से बिजली आपूर्ति बंद है। इस ब्लैकआउट से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की मार झेल रहे बिहार में रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट से भी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की है। नीतीश ने कोयला मंत्रालय से वाटर पंप की भी डिमांड की है। भारी बारिश से बिहार के सुपौल में हालत बिगड़े हुए हैं। जिले के ज्यादातर इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। मकानों में कई फीट तक पानी भर गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। और यही नहीं, नालों का गंदा पानी घरों में घुसा हुआ है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार के मुंगेर में 84 साल बाद यहां के प्रसिद्ध चंडिका शक्तिपीठ में पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से नवरात्रों में श्रद्धालु यहां पर पूजा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मंदिर के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए जल डालने की व्यवस्था की गई है।
दिल्ली के कई इलाकों में आज लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली के चंद्रावल प्लांट में पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने की वजह से प्लांट से कई इलाकों में 25% कम पानी की पंपिंग की जाएगी। इससे कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल शाहजहांपुर जाएंगी। चिन्मयानंद केस पर हो रही कार्रवाई के विरोध में प्रियंका शाहजहांपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगी। ये यात्रा 7 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेगी। यूपी के कानपुर में पुलिस वाहन चेकिंग का विरोध करना एक भाजपा नेता को भारी पड़ गया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित 3 लोगों ने जब चेकिंग का विरोध किया तो पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी नेता समेत सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने अहमदाबाद में वाइब्रेंट नवरात्रि 2019 की शुरुआत की है। शांति और एकता का संदेश देने के साथ ही इस कार्यक्रम की रंग बिरंगी शुरुआत हुई है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग शामिल हुए हैं। पूरे नवरात्रों के दौरान वाइब्रेंट नवरात्रि में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट और हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक करने के लिए सूरत में अनोखा गरबा डांस का आयोजन किया गया। इस दौरान गरबा कर रहे लड़के लड़कियों ने हेलमेट पहनकर गरबा किया। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। माना जाता है कि शिव भगवान को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उनके दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोलकाता के जोधपुर पार्क का दुर्गा पूजा पंडाल पूरी तरह राख से बनाया गया है। फ्लाई ऐश को ईंटों में तब्दील करके उन ईंटों से पंडाल बना है। इस पंडाल में 108 शिवलिंगों को भी स्थापित किया गया है, जो कि फ्लाई ऐश से ही बने हैं। इस इको फ्रेंडली पंडाल को बनाने में कलाकार 2 महीने से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक क्रेन हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई। क्रेन में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भोपाल के टॉकिस बाल विहार रोड पर फंसे एक प्राइवेट गिट्टी डंपर को निकालते वक्त क्रेन बिजली लाइन की चपेट में आ गई। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी के आरोपियों को रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस की टीम मेडिकल करवाने MY अस्पताल लेकर पहुंची। 7 संदिग्ध इंदौर एयरपोर्ट पर 5 किलोग्राम सोना अपने कपड़ों के अंदर छुपा कर लाए थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया। विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सऊदी अरब ने भारत में बढ़ती आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए पेट्रोकेमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग जैसे कई क्षेत्रों में निवेश की योजना बनाई है। सऊदी अरब के राजदूत डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल सती ने कहा है कि हम भारत के साथ लंबी साझेदारी करने के इच्छुक हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय ने प्याज की निर्यात नीति में अगले आदेश तक संशोधन किया है और सभी किस्मों के प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।